सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निक ज्ञान को और घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रिलायंस जियो प्राइम के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मिल सकता है और वक्त। BSNL के नए ऑफर मिल रहा है 1 GB फ्री डाटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। Xiaomi 6 और 6 प्लस की कीमतें हुई लीक। रिलायंस जियो प्राइम में मिल रहा है 120 GB फ्री डाटा। रिलायंस, एयरटेल, जियो, आइडिया, इनमें कौन सा नेटवर्क सबसे ज्यादा डेटा प्रदान कर रहा है कम पैसे में, तो इसका भी हम कंपैरिजन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जियो वाले बोल रहे हैं हमारे पास सबसे बेहतरीन 4G ब्रॉडबैंड नेटवर्क है और कंपनी का दावा है कि इसके पास भारत का ऑल IP नेटवर्क है और कंपनी भविष्य के लिए 5G और 6G भी लाने की प्लान कर रही है। 4G तो ठीक से चल नहीं रहा। और खबर ये भी आ रही है कि जियो ने सैमसंग से हाथ मिला लिया है 5G लाने के लिए, दोनों मिलकर 5G लेके आएंगे। और जियो सब्सक्रिप्शन में आपको 120 GB डाटा मिलेगा, वही 303 के रिचार्ज पर जियो जो डाटा दे रही है, बाकी कंपनियां 350, 348, 347 रुपए में इस डाटा दे रही है 28 दिन के लिए, रोज 1 GB डाटा और अनलिमिटेड STD और लोकल कॉल फ्री। काफी कंपटीशन हो रहा है आपस में इनका, आइए देखते हैं आगे भविष्य में इनका क्या हो सकता है। कंपनी का यह भी दावा कि 850, 1800 और 2300 MHz का सिग्नल देकर घर के अंदर भी और घर के बाहर भी आबादी वाले इलाकों में वो नेटवर्क प्रदान करेगा, वो भी बढ़िया तरीके से दावा है, तो आगे देखेंगे होता है या नहीं होता है। एक खबर ये भी आ रही है कि जीमेल से अब पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, गूगल ने ये ऐलान कर दिया है और ये फीचर भी पेश किया है कि गूगल एप्स के द्वारा अब पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ये खुशखबरी है क्योंकि गूगल सबसे बड़ा नेटवर्क अपना फैला रहा है और ये बेस्ट भी है, चलाने में भी अच्छा है और इस पर लोगों को विश्वास भी है। यह फीचर सबसे पहले वेब पर ही उपलब्ध कराया गया था, लेकिन आज एंड्रॉइड फोन जो आपके हाथ में है उसके अंदर भी आप इस फीचर को यूज ले सकेंगे, ये एक अच्छी खबर है। और वेबसाइट के ऊपर कंपोज के साथ एक छोटा सा डॉलर का निशान मिलेगा जहां से आप क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा करके। और एंड्रॉइड फोन में ये मिलेगा जहां से हम फाइल वगैरह अटैच करते हैं, जो ऑप्शन आता है मेल करते वक्त, उस जगह पे ये निशान मिलेगा जहां से आप क्लिक करके टच करके आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा साइन अप करना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट से, थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बिना तो नहीं होगा, वैसे तो पैसा होना जरूरी है वरना नहीं कर पाएंगे ना। और Xiaomi Redmi 4A का रिव्यू आ गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जियो का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर था वो 31 मार्च 2017 को खत्म हो जाएगा। और वैसे रिलायंस जियो की सेवाएं प्राप्त करने के लिए जियो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, बाकी देखते हैं कब तक चलेगा। और जियो की माने तो अभी तक उसने 2.5 करोड़ ग्राहक जोड़ लिए हैं अपनी कंपनी के साथ, जियो की सिम के साथ। और यह आंकड़ा कंपनी का अपनी प्राइम मेंबरशिप का जो आंकड़ा था उससे आधा बताया जा रहा है। अब बारी आती है BSNL की। BSNL ने एक नया ऑफर निकाला है, उसमें 1 GB डाटा मुफ्त दे रहा है, तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। अरे मुफ्त मिल रहा है, उठा लो लुत्फ। क्योंकि रिलायंस जियो ने सब कुछ सस्ता कर दिया है, इसलिए दूसरी कंपनियों को भी आगे आना पड़ेगा, इसलिए BSNL ने ये ऑफर ग्राहकों को दिया है कि 1 GB डाटा मुफ्त दे रहा हूं, चला लो भैया जो चलाना है, बाद का पता नहीं है, अभी तो है ऑफर। और BSNL ने एक प्लान के तहत 339 रुपए का एक प्लान लॉन्च किया है, उसके तहत रोज 2 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल 28 दिन के लिए उपलब्ध है, तो ये भी बस बढ़िया है बाकियों से, तो ये भी करवा लो, जिसके पास BSNL वो करवा सकता है, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं खरीदूंगा। अब बात आती है Xiaomi 6 और 6 प्लस की, जिसकी कीमतें लीक हो गई हैं, पता नहीं कैसे लीक हो जाती हैं। Xiaomi 6 में करीब 4 GB रैम और 32 GB स्टोरेज है, वहीं दूसरे मोबाइल में 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है। इनकी कीमतें क्रमशः 21,800 रुपए और 25,600 रुपए आंकी जा रही हैं, बाकी मार्केट में आने के बाद पता चलेगा। और ये भी अभी नहीं पता है कि ये इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, या फिर लेट होगा, अगर होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि आएगा तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आएगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आएगा तब आप इसे ले सकते हैं। पहली बार कोई जबरदस्त फोन निकाला Xiaomi ने। ये थी कुछ आज की खबरें, अगले वीडियो में मैं फिर कुछ ऐसी खबरें लेके आऊंगा जो शॉर्ट खबरें हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए।
मैं इसको शॉर्ट में करके आपको बता देता हूँ। वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें करके भेज सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।